Dear students, today we are going to start chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. So let's start it. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि what do you understand by circulatory system? अच्छा तो बच्चों, हम सब लोग खाना खाते हैं, हम सब लोग पानी पीते हैं, हम सब लोग सांस ले रहे हैं. तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम water का intake कर रहे हैं, जो भी हम गैसेस का इनटेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करनी चाहिए. तभी जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी. अब ये जो ट्रेवलिंग है इन सारी चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की, ये कैसे होती है हमारी बॉडी में. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड हाउ डिस दिस ट्रांसपोर्टेशन इज कैरीड आउट. ठीक है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें फूड, वाटर और ऑक्सीजन, जो कि यूज़फुल चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इन द सेम वे द वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी के थ्रू वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हमारी बॉडी से भी रिमूव होना है ना. जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, उसको हमारी बॉडी से हटना होता है, रिमूव होना होता है. तो उस रिमूव को भी करने के लिए द वेस्ट प्रोडक्ट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इट हैज़ टू बी रिमूव्ड. तो अब ये जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, वेदर इट इज़ ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, और इट इज़ डन, इट द ट्रांसपोर्ट इज ऑफ द वेस्ट मटीरियल विच हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, दिस ट्रांसपोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो नाउ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड. ओके, सो in this chapter we are going to study in detail about the heart, blood vessels and the blood. So dear children, here you can see three figures. This is the figure of the heart, the detailed figure of the heart, in which the human heart is divided into the four chambers: right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. In the second figure, a human body is shown with a network of blood vessels. आप यहाँ पे blood vessels देख पा रहे हैं, red blood vessels, blue blood vessels. जो भी blue blood vessels हैं वो impure blood को carry कर रही हैं और जो भी red blood vessels हैं वो आपके pure blood को carry कर रही हैं. Anyhow, we are going to study it in detail. And then, you can see over here in the last figure, आपके ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, कौन कौन सी सेल्स होती हैं ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आपका प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सारी के सारी आपके जो हैं ब्लड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं. सो दीज थ्री पार्ट्स, द हार्ट, द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड इटसेल्फ, कंप्राइजेस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स. So students, we are going to stop over here, and in the next lecture we are going to take these components of the circulatory system one by one, in which blood will be taken as the first part. So I am going to stop over here and we'll continue with the blood in the next lecture. Thank you very much.